हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्तिमयी दास ब्लॉग्स में। तो ये देखिए, हम लोग देहरादून से निकल गए थे दिल्ली तक। तो ये देखिए, हम लोग दिल्ली में पहुंच चुके हैं और ये दिल्ली का वेटिंग रूम है, जो एसी वाला जो एक वेटिंग रूम होता है, हम उसी में आके बैठे हैं। तो हमारा जो दिल्ली से उड़ीसा मतलब कटक तक जो ट्रेन है राजधानी, तो वो हमारा जो ट्रेन है शाम को 5 बजे है। तो हम लोग यहाँ पर वेटिंग रूम में ही इधर ही हम रह जाएंगे। और इधर देखिए, हमारा सारा लगेज रखा हुआ है और हम लोग इधर बैठे हैं। और इधर सोनी खेल रही है, चॉकलेट लेके घूम के खेल रही है, और टीवी लगा है और एसी भी लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक तो थकावट है, बैठने का थकावट, एक तो बैठ के आए हम लोग, कमर तो ऐसे ही दर्द कर रहा था, और इधर भी बैठना था 5 बजे तक। तो वेट करना बहुत मुश्किल होता है, 4-5 घंटे का मतलब कैसे निकाले हम लोग भी, मुझे ही पता है। तो हम लोग यहाँ तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, और 4 बजे तक, जैसे ही 4 बजे इतने समय में मेरी बेटी जो सोनी है वो रोने लगी बहुत, तो बोल रही थी यहाँ से जल्दी फटाफट चलो, हमको ट्रेन में बैठना है और जाना है। और हम लोग इधर से निकल गए थे 4 बजे तक। तो 4 बजे निकलने के बाद हमारा ट्रेन लगा हुआ था 1 घंटे पहले से, तो हम लोग जाके ट्रेन में बैठ गए थे। और 5 बजे यहाँ पर ट्रेन दिल्ली छोड़ चुका है, तो हम लोग चले हमारे घर के तरफ। देखिए, दिल्ली स्टेशन अभी छोड़ गया, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, चाय पानी कुछ पी रहे हैं बैठने के बाद, लॉगेज रख लिया अच्छे से और चाय पानी पी रहे हैं। और यहाँ पर हम दिल्ली स्टेशन को बाय बाय बोल रहे हैं अभी। और ये हमारा सफर, जैसे ट्रेन में बैठ गए बहुत अच्छा था। देखिए, सोनी अभी खुश हो गई और चाय पी रही है मेरे से लेके। और ये देखिए, मेरा बेटा भी बैठा हुआ है और हम दिल्ली स्टेशन देख रहे हैं। और एक तो बात है कि हम लोग अपनों से मिलने 2 साल बाद जा रहे हैं, और छुट्टी तो मिल रहा था लेकिन कोरोना के वजह से हम लोग नहीं जा रहे थे, बच्चों को लेके जाना निश्चित रिस्क वो होता है। अभी भी कोरोना चल रहा है, फिर भी हम लोग इंतज़ार करें तो कितना करें गाइस, तो इसलिए हम लोग चले, थोड़ा अपनों से मिल के आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैं बहुत थक चुकी थी और वीडियो कितना सारे वीडियो भी मैं नहीं बना पाई जैसे ट्रेन से उतरना हो, नहीं क्योंकि हमारे पास इतनी लॉगेज थी, तो बच्चे को भी पकड़ना था, लॉगेज भी पकड़ना था, तो मोबाइल पकड़ने के लिए नहीं ठीक हुआ, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई। जो सफ़र का क्लिप है वही मैं बनाई है। देखिए यहाँ पर मेरी बेटी कैसे देख रही, जैसे पेड़ पौधे है ना, वो जैसे पीछे भाग रहे उसी को देख रही है। तो इसका मतलब वो जब 2 साल की तभी सफ़र की थी, तो अभी तो ये इसके लिए जानो पहला सफ़र है। ट्रेन में जा रही थी, पहले तो बैठी जो ट्रेन में टॉयलेट वगैरह जाने के लिए बहुत डर रही थी, ट्रेन हिल रही थी तो साउंड कर रही थी, परेशान बहुत कर ली। फिर इसको जैसे पता चल गया तो अच्छे से आराम से बैठ गई। तो ये देखिए, मेरी लड़की एंजॉय कर रही है, ये दोनों इधर बैठे, थोड़ा क्लिप ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था, तो जो जो मैंने क्लिप लिया है वही मैंने ऐड कर दिया है। और ये ब्लॉग मेरा तो यही है, दिल्ली से कटक तक का सफ़र है ही हमारा। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सुबह का टाइम हो गया था, हम लोग ट्रेन में खाना पीना खा के, हमारा जो खाना लिया था, कोई खाना हम नहीं लिया ट्रेन गाड़ी में से, तो हम लोग जो खाना लिए थे खाना पीना खा के रात को सो गए थे आराम से, और सुबह उठ गए थे। ये देखिए, सुबह उठे तो हमारा ओडिशा एंट्री कर चुका, एंटर हो चुका था। ये हमारा ओडिशा का व्यू देख लीजिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन। और देखिए, लगभग ट्रेन पूरा खाली हो चुका है, ऐसे तो कोई नहीं था, ट्रेन ऐसी खाली जा रहा था, कोई मतलब एक आधा सीट ऐसा था, और सब लोग टाटा में निकल उतर गए थे। तो ये हमारा उड़ीसा आ गया, देखो आगे ये जो ट्रेन आ रही है, ये कपिलास रोड का एक ट्रेन स्टेशन आएगा, तो ये कपिलास रोड स्टेशन आ गया, इसके बाद एक स्टेशन और आएगा, इसके बाद हमारा जो घर का स्टेशन है वो आ जाएगा। तो ये हो गया कपिलास रोड वाला स्टेशन।
जहाँ पर मतलब शिव जी का बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर मंदिर होता है वहाँ का है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं घूमने। और ये देखिए हमारा सामान निकाल रहे हैं, सब लेके डोर के पास रख देंगे और सब लोग फटाफट उतर जाएंगे हमारा, क्योंकि स्टेशन कटक करीब आ रही है। और कटक आने से पहले वो हमारा जो ब्रिज होती है महानदी ब्रिज, मैं अभी उसका व्यू आपके दिखाने वाले हूँ। बहुत बड़ा ब्रिज है ये, और उड़ीसा का बहुत ही बड़ा नदी महानदी, आप नेट में सर्च कर सकते हो महानदी ब्रिज तो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए अभी हमारा नदी आ रहा है, आ जाएगा महानदी ब्रिज। इस स्टेशन के पास हमारा स्टेशन आता है, हमारा स्टेशन आने जगतपुर, हमारा जो घर है जगतपुर है, तो वो जगतपुर स्टेशन आने के बाद ब्रिज पुल आएगा। ये हमारा स्टेशन है, यहाँ पर गाड़ी, तो ये हमारा स्टेशन है जगतपुर, छोटा स्टेशन, गाड़ी यहाँ रुकती नहीं है, लेकिन लाइन क्लियर जब नहीं होती है तो तब थोड़ा रुक जाती है, क्योंकि इसके आगे ही कटक का स्टेशन है। तो ये हमारा बाजार है जगतपुर का, कितना चेंज हो गया भैया 2 साल में पूरा। तो ये हमारा जगतपुर एरिया है, दिखा रही हूँ। तो अभी हमारा महानदी का ब्रिज आ जाएगा। जाऊंगे ना ओवल पूरा, वो जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना सामने, उसके ऊपर हम जाएंगे हमारे घर में। तो वो ब्रिज में जाते टाइम आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बड़ा बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी तो मैं नहीं बनाई। तो ये देख लिए, वो आगे देख रहे हो ना ब्रिज, ये तो ट्रेन का एक ब्रिज है, उसके दूसरे टाइप जो दूसरे और है ना ब्रिज, वो मेन ब्रिज है। तो ये लोग उतर के, हम लोग अभी ऑटो में बैठ गए थे, सामान के वजह से, लगेज के वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाई। बैठने के बाद फिर मेरे बैग से फिर मोबाइल निकाल के फिर मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए कटक की हमारा एरिया दिखा रही हूँ, स्टेशन से हम जस्ट निकल रहे हैं, ये देखिए। तो हमारा कटक आपको कैसा लग रहा है, कैसा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। ये देखिए ये आ गया कटक, देखो मैं दिखा रही हूँ, फिर भी बच्ची बैठी हुई थी उसको पकड़ में वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत तो हो रही थी। देखिए इधर क्या लिखा है गाइस, देखिए आई लव कटक, यहाँ पर लिखा है आई लव कटक, ये नहीं था ये बन गया है 2 साल के बाद, बहुत कुछ चेंज हो गया है कटक में। तो मैं भी नया कुछ देख रही, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी कुछ काम चल रहा है और भी आगे कुछ होगा। तो इसके बाद आगे की ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आएगा गाइस। तो बाय बाय।